गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे कि डेटा माइनिंग काम कैसे करती है, हाउ डेटा माइनिंग वर्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा माइनिंग होता क्या है। डेटा माइनिंग, देखिए माइनिंग का मतलब खनन करना, और यहाँ पर किसका खनन कर रहे हैं, डेटा का। तो डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, डेटा से पैटर्न निकालते हैं, ठीक है। तो डेटा से पैटर्न निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। डेटा माइनिंग में हम डेटा के विशाल सेट से जानकारी निकालने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारे पास एक स्टोरेज में खूब सारा डेटा है, अब उस जो रो मटेरियल है, डेटा है, उसमें से हमें क्या करना है, जानकारी निकालना है। कुछ पैटर्न्स हम बनाएंगे और उनमें से जानकारी निकाल के हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट के लिए हम स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेटा खनन, डेटा से खनन ज्ञान है। चूँकि अधिक डेटा एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें हर 3 वर्ष में डेटा की राशि दोगुनी हो रही है, डेटा माइनिंग इन डेटा को जानकारी में बदलने के लिए तेज़ी से महत्वपूर्ण उपकरण बनता जा रहा है। हमने डेटा वेयरहाउस देखा था। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा का गोदाम होता है। डेटा का गोदाम का मतलब एक स्टोरेज है हमारे पास, बड़ी सी हार्ड डिस्क है, उसमें हमारे पास खूब सारा डेटा है। अब डेटा तो हमारे पास भरा पड़ा है, जैसे हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी भरा हुआ है, लेकिन अब हमें पर्टिकुलर जो जानकारी चाहिए, जो फाइल चाहिए, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उस फाइल में से जो जानकारी हमें निकालनी पड़ेगी। तो वैसे ही डेटा वेयरहाउस तो है हमारे पास, लेकिन उसमें तो रो डेटा भरा हुआ है, बहुत सारा हिस्ट्रिकल डेटा है, उसमें से हमें क्या करना है, हमारे काम का डेटा है वो निकालना है और फिर उसको प्रोसेस करके एक पैटर्न बना के स्टडी करनी है। तो डेटा वेयरहाउस से उस डेटा को निकालना, उसको प्रोसेस करना, उसका पैटर्न बनाना, उसको स्टडी करना, ये सारा आता है डेटा माइनिंग में। तो डेटा माइनिंग क्या करता है, डेटा वेयरहाउस में जो डेटा है उसको जानकारी में बदलता है। देखिए डेटा और जानकारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डेटा का मतलब कुछ भी डेटा आपके पास स्टोर किया हुआ पड़ा है, जानकारी का मतलब जो काम में आने वाली, जिसको हम काम में ले सकते हैं, तो उसको हमें बदलना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। सामान्य रूप से इसे विस्तृत व्यवहारों की रूपरेखा बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग, विपणन, मार्केटिंग में इसको काम में लेते हैं हम डेटा माइनिंग को, मॉनिटरिंग में लेते हैं, फ्रॉड में लेते हैं, और साइंस एक्सप्लोरेशन में। कैसे लेते हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल से देखेंगे। देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री है, सूचना उद्योग है, उसमें बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है। यह डेटा तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि इसे उपयोगी जानकारी में परिवर्तित नहीं किया जाता है। इस विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इससे उपयोगी जानकारी निकालना आवश्यक है। जैसे माइंस में से क्या होता है कि मान लीजिए मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो मिनरल्स अंदर क्या है कि मिक्स है, वो प्योर नहीं है, हम जिसमें काम में ले सकते हैं ऐसे प्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से उसको निकालेंगे चट्टानों में से मिनरल्स को, और फिर उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में मान लीजिए जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड को हम अलग कर लेंगे, उससे जो भी हमें ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने हैं तो काम में ले लेंगे। तो वैसे ही क्या है, डेटा वेयरहाउस के अंदर खूब सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन वो डेटा है उसको हम सीधा काम में नहीं ले सकते, उसमें से हमें क्या, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो वो सारी प्रोसेस करने के बाद में वो काम में लेने लायक डेटा बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन, ऐसा डेटा जिसको हम किसी काम में ले सकते हैं, उसको हम जानकारी बोलेंगे, उपयोगी जानकारी। एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना का निष्कर्षण, केवल एकमात्र प्रक्रिया नहीं है जिसे हमें करने की आवश्यकता है। डेटा खनन में डेटा प्रक्रिया, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, पैटर्न इवोल्यूशन एंड डेटा प्रेजेंटेशन जैसी अन्य प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो जो हम इन्फॉर्मेशन उपयोगी जानकारी में परिवर्तित कर रहे हैं रो डेटा को, तो उसमें कई सारी स्टेप्स हैं हमारे पास,
जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे। ऑब्वियसली कुछ भी हम खनन करते हैं, माइंस में से निकालते हैं, तो उसको क्लीन तो करना ही पड़ता है, उसमें से कचरा निकालना होता है। यहाँ पर कचरा क्या होगा, अनवांटेड डेटा जो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद में डेटा को हम इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग सोर्स है जो उनमें से जो जो काम का डेटा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, एक जगह एकीकृत करेंगे। फिर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म मतलब उसको काम में लेने लायक फॉर्मेट में। फिर डेटा माइनिंग हो गई, फिर पैटर्न इवोल्यूशन, उसका एक पैटर्न बनाएंगे जिसको हमें स्टडी करने में आसानी होती है। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो वहाँ पर वो बार चार्ट आता है, उसके अंदर आप देख सकते हो, या फिर पाई चार्ट आ जाता है कि कौन सी साइड में कितने रन बनाए इस बैट्समैन ने। तो जो पैटर्न बन के आता है उससे हमें समझने में कितनी आसानी होती है। अगर हमें डायरेक्टली अगर डेटा दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के थ्रू बहुत ही आसानी होती है। और फिर इस डेटा को, इस जानकारी हम काम में क्या लेते हैं, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्शन कंट्रोल, साइंस एक्सप्लोरेशन, इन चीज़ों में हम इसको काम में लेते हैं। डेटा खनन को डेटा के विशाल सेट से जानकारी निकालने के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेटा खनन डेटा से खनन ज्ञान की प्रक्रिया है। निकाली गई जानकारी या ज्ञान का उपयोग निम्न में से किसी भी अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये हम पहले देख भी चुके हैं, मार्केट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, प्रोडक्शन कंट्रोल, साइंस एक्सप्लोरेशन। फ्रॉड डिटेक्शन में भी आप कर सकते हो कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कितने फ्रॉड हुए हैं उनको डिटेक्ट करना, बैंकिंग में फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये सारा हम डेटा एनालिसिस करके कर सकते हैं। डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एप्लीकेशंस भी वही है, मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, कॉरपोरेट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन। उसके अलावा भी आप दूसरे फील्ड्स में ले सकते हो, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वो भी एक डेटा हमारे काम में आता है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, बारिश ज़्यादा होती है, या कौन सा एरिया जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, या कौन सा एरिया जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आए, तो भूकंप कितना आएगा उसकी जानकारी है वो हम जो हिस्ट्रिकल हमारे पास डेटा है उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। धोखाधड़ी का पता लगाते हैं। इसके अलावा डेटा खनन का उपयोग अनुपयोग है वो प्रोडक्शन कंट्रोल, कस्टमर रिटेंशन, साइंस एक्सप्लोरेशन, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, इंटरनेट वेब सर्व एड, इनमें कर सकते हैं। ठीक है, आप जब इंटरनेट सर्व करते हो आपने देखा होगा, अगर आपने कोई चीज़ है उसको पसंद किया है इंटरनेट पर, तो आप देखोगे आप कहीं भी कोई भी पेज ओपन करोगे तो बार बार आपके कंप्यूटर पर वही चीज़ डिस्प्ले होगी, क्योंकि वो पता लगा लेते हैं कि कौन सा कस्टमर है वो कौन से चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है। बाजार विश्लेषण और प्रबंधन, मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। नीचे सूचीबद्ध बाजार के विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ डेटा खनन का उपयोग किया जाता है। जैसे कस्टमर प्रोफाइलिंग, डेटा खनन यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि किस तरह के लोग किस प्रकार के उत्पाद खरीदते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो सिटी है तो वो छोटा कस्बा है या बड़ा शहर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी इनकम कितनी है, उनका बजट कितना है, तो मोबाइल जो बेचने वाली कंपनी है या कोई भी प्रोडक्ट जो बेचेगी कंपनी, तो वो पूरी स्ट्रेटेजी करेगी कि इस तरह का जो आइटम्स है वो ज़्यादा बिकते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटा कस्बा है वहाँ पर आपको जैसे मर्सिडीज़ वगैरह जो बड़े महंगी गाड़ियाँ हैं उनके शोरूम आपको नहीं दिखेंगे, छोटी गाड़ियों को दिखेंगी। ठीक है, तो वो पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं और जहाँ पर लोगों की इनकम ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो महंगी गाड़ियों के शोरूम भी रखेंगे, महंगे मोबाइल भी बेचेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उसी तरह वो डिसाइड करते हैं। आइडेंटिफाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, डेटा खनन विभिन्न ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। यह उन कारकों को खोजने के लिए पूर्वानुमान का उपयोग करता है जो नए ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो कस्टमर्स का बाइंग पैटर्न है, उनका खरीदने का जो पैटर्न बन रहा है, खरीद तरीका है, वो हिस्ट्रिकल जो है उसको स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। क्योंकि जैसे कि हम सुनते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी अचानक नहीं होता है, वो पूरा हिस्ट्रिकल जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग आगे चलता है। जैसे ग्रामीण एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं,
तो कंपनीज को पता है कि जिस टाइम पर फसल पकेगी, फसल को किसान बेचेंगे, उस टाइम पर उनके जेब में पैसा है और उसी टाइम पर वो चीज़ें खरीदेंगे। तो कंपनीज भी अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनाती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह बेचना है या टू व्हीलर वगैरह जो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा बिक रहे हैं, तो ऐसी जो मशीनरीज वगैरह जो बेचनी है उनको, तो वो वैसे ही। या फिर जैसे सर्दियों का सीज़न है उस टाइम पर स्वेटर वगैरह आ जाते हैं, तो वो पूरा हिस्ट्रिकल डेटा को एनालिसिस करके करते हैं। क्रॉस मार्केट विश्लेषण, डेटा खनन उत्पाद बिक्री के बीच कोरिलेशंस करता है। टारगेट मार्केटिंग, डेटा खनन मॉडल ग्राहकों के क्लस्टर खोजने में मदद करता है जो समान विशेषताओं जैसे रुचियों, व्यय के आते हैं, आय इत्यादि का साझा करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है मैंने जो बोला, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप बनाना। ठीक है, ग्राहक खरीद पैटर्न निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग कस्टमर परचेज पैटर्न। डेटा खनन ग्राहक खरीद पैटर्न निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं उनको हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जो रियल लाइफ में हम जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स अपने भी आप बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट होंगे, आप खुद से बनाओगे तो कुछ नए पॉइंट्स भी आप बना सकते हो। प्रोवाइडिंग समरी इन्फॉर्मेशन, सारांश जानकारी प्रदान करना। तो डेटा माइनिंग क्या करता है, हमें एक मल्टी डायमेंशनल जो डेटाबेस है उसमें से समरी प्रोवाइड करता है। कॉरपोरेट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन। कॉरपोरेट सेक्टर के निम्नलिखित क्षेत्रों में डेटा खनन का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से हैं, फाइनेंस प्लानिंग एंड एसेट इवोल्यूशन, इसमें नकद प्रवाह विश्लेषण और भविष्यवाणी, संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए आकस्मिक दावा विश्लेषण शामिल है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड में डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस को काम में ले रहे हैं, तो उनका हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो भी हमारा काम है वो अच्छे से अच्छा किया जाए, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हम ज़्यादा अच्छी उनको सुविधाएं दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिवेन्यू बढ़ा सके। ठीक है, या गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है तो गवर्नमेंट अपनी जो योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर सके और जिस एरिया में उनको ज़रूरत है उस एरिया में लागू किया जाए। तो ये सारे हमारे उद्देश्य होते हैं डेटा माइनिंग के। संसाधन योजना, रिसोर्स प्लानिंग, इसमें संसाधनों को, व्यय को संरक्षित और तुलना करना शामिल है। प्रतियोगिता, इसमें प्रतियोगिताओं और बाजार दिशाओं की निगरानी शामिल है। धोखाधड़ी का पता लगाना, फ्रॉड डिटेक्शन, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए क्रेडिट कार्ड सेवाओं और दूरसंचार के क्षेत्र में डेटा खनन का उपयोग किया जाता है। धोखाधड़ी टेलीफोन कॉल में, यह कॉल के गंतव्य, कॉल की अवधि, दिन या सप्ताह का समय आदि खोजने में मदद करता है। यह उन मानकों का भी विश्लेषण करता है जो अपेक्षित मानदंडों से विचलित होते हैं। डेटा माइनिंग टास्क, डेटा माइनिंग पैटर्न के प्रकार से संबंधित है जिसे खनन किया जा सकता है। खनन के प्रकार के आधार पर डेटा खनन में दो श्रेणियां हैं, दो कैटेगरीज है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णनात्मक और दूसरा होता है वर्गीकरण और भविष्यवाणी। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव फंक्शन देखते हैं क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव फंक्शन, वर्णनात्मक फंक्शन, डेटाबेस में डेटा के सामान्य गुणों से संबंधित है। वर्णनात्मक कार्यों की सूची में या लिस्ट हम देखते हैं, पहला जो होता है वो क्लास कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन, दूसरा होता है वो माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, लगातार जो पैटर्न है, तीसरा होता है माइनिंग ऑफ एसोसिएशन, फोर्थ है माइनिंग ऑफ कोरिलेशन और फिफ्थ है माइनिंग ऑफ क्लस्टर्स। आइए हम इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, पहला है क्लास या कंसेप्ट डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है कि क्लास है या हमारा जो कंसेप्ट है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसमें क्या करते हैं, हम कक्षा या संकल्पना, कक्षाओं या अवधारणाओं से जुड़े डेटा को संदर्भित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी में बिक्री के लिए वस्तुओं के वर्गों में कंप्यूटर और प्रिंटर शामिल होते हैं और ग्राहकों की अवधारणाओं में बड़े व्यय और बजट व्यय शामिल होते हैं। किसी वर्ग या अवधारणा के इस तरह के विवरण वर्ग अवधारणा विवरण कहा जाता है। ये विवरण निम्नलिखित दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है डेटा कैरेक्टराइजेशन, डेटा विशेषीकरण। इसमें क्या होता है, यह अध्ययन के तहत कक्षा के डेटा को समराइज करके प्रस्तुत करता है और अध्ययन के तहत इस वर्ग को लक्ष्य वर्ग, टारगेट क्लास कहा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, समराइज कर देगा डेटा को। डेटा डिस्क्रिमिनेशन में क्या करेगा, यह किसी पूर्व परिभाषित समूह या वर्ग के साथ कक्षा के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत करता है। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं उनको देख के ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है,
मोटा मोटा जो मतलब है वो मैंने बताया आपको किस काम में ये आते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इसमें हम यूज करते हैं, तो इसको आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। लगातार जो पैटर्न है, फ्रीक्वेंट माइनिंग पैटर्न है, वो क्या होता है? देखो, अक्सर पैटर्न वे पैटर्न होते हैं जो अक्सर लेन देन संबंधी डेटा में होते हैं, या लगातार पैटर्न की सूची दी गई है। तो ऐसे कौन कौन से पैटर्न जो फ्रीक्वेंटली होते हैं, जैसे कि अक्सर या बारंबार आइटम सेट, मतलब उन वस्तुओं के एक समूह को संदर्भित करता है जो अक्सर एक साथ दिखाई देती हैं, उदाहरण के लिए दूध और ब्रेड। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट, देखिए ऐसा आइटम्स का सेट जो फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादातर साथ में खरीदा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर दूध है, उसके साथ में ब्रेड खरीदी जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी है वो क्या करेगी, एक ग्रुप बनाएगी। आप या दुकान पर जाओगे कहीं भी तो आपको दूध और ब्रेड पास पास में दिखेगी, ताकि उनको पता है कि ज़्यादातर कस्टमर जो दूध लेंगे वो ब्रेड भी लेंगे, तो उनको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, वहीं से ब्रेड लेंगे। इसी तरह से कंपनी जो प्रोडक्शन करती है वो भी आप ज़्यादातर देखोगे, जो डेयरीज होती है, जो मिल्क सप्लाई करती है, वो ज़्यादातर ब्रेड्स भी बनाती हैं। दूसरा है कि फ्रीक्वेंट सब सिक्वेंस। देखिए पहला तो सेट था कि दूध खरीदेगा तो ब्रेड भी साथ में खरीदेगा, वो साथ में खरीद रहा था। सब सिक्वेंस में क्या होता है, एक खरीदेगा उसके बाद में दूसरा खरीदेगा। जैसे कि आपने कैमरा खरीदा और कैमरा खरीदने के बाद में उसका मेमोरी कार्ड भी खरीदते हो आप, ठीक है। इसी तरह दूसरे भी सिक्वेंस हो सकते हैं, आपने मोबाइल खरीदा उसके बाद में उसका कवर खरीद रहे हो, उसका मेमोरी कार्ड खरीद रहे हो। तो इसमें क्या होता है, एक आइटम खरीदते हैं उसके बाद में दूसरा आइटम खरीदते हैं। ये दोनों चीज़ें एक जैसी है, मतलब ऐसा नहीं है, इसमें सब सिक्वेंस की सेट भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कैमरे के साथ में मेमोरी कार्ड खरीद लो, ठीक है। तो ये तो क्या क्लासिफाई कर रखा है समझने के लिए अलग अलग। तो आइटम का सेट भी हो सकता है या सब सिक्वेंस भी हो सकती है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंट सब स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जैसे कि ग्राफ है, ट्री है या लेटिस है, उनको ये संदर्भित करता है, जिनमें क्या होता है आइटम सेट या बाद के संस्करणों के साथ जोड़ा जा सकता है। माइनिंग ऑफ एसोसिएशंस, एसोसिएशन का इस्तेमाल है वो खुदरा बिक्री में उस पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है जिन्हें अक्सर एक साथ खरीदा जाता है, ठीक है। तो एक साथ में हमने देखा आइटम सेट था, वो भी एक साथ ही खरीदा जा रहा था। एसोसिएशन का मतलब भी वही है कि जो आइटम्स एक साथ खरीदे जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि डेटा के बीच संबंधों को उजागर करने और एसोसिएशन नियमों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक खुदरा विक्रेता है, एक एसोसिएशन नियम उत्पन्न करता है, ठीक है। तो एक खुदरा विक्रेता है, उसने देखा कि ज़्यादातर 70% लोग है वो क्या करते हैं, दूध के साथ में ब्रेड खरीदते हैं, जबकि 30% लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि दूध के साथ में बिस्किट खरीदते हैं। तो वो जो दुकान वाला है वो उसी रेशियो के अंदर अपना ब्रेड और बिस्किट रखेगा, ऐसे नहीं कि 70% ब्रेड खरीद रहे हैं, 30% बिस्किट, तो वो बिस्किट ज़्यादा ले आया, वो ब्रेड कम ले आया, तो उसमें क्या होगा, ब्रेड तो कम पड़ जाएगी और बिस्किट रह जाएंगी ज़्यादा। तो जितनी आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग वो सामान अपना रखेगा। तो ऐसे ही बड़ी कंपनी है, वो भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो वो डेटा को एनालाइज करते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, और आप देखोगे जो प्रोडक्ट उनका ज़्यादा बिकता है उसी की मार्केटिंग पर और उसी को अपग्रेड करने पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो नहीं बिकता है उसको वो बंद कर देते हैं उसका प्रोडक्शन। आपने देखा होगा जैसे मार्केट के अंदर फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स आते हैं, तो कुछ टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स इतने पॉपुलर होते हैं कि कंपनी उनको 10-10, 20-20 साल तक वो मॉडल है उसको अपग्रेड करती रहती है और नए नए मॉडल निकालती रहती है। कुछ नहीं चलते हैं उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जैसे कि टाटा में आपने देखा होगा नैनो गाड़ी है वो नहीं चली तो उन्होंने बंद कर दिया। होंडा की एक्टिवा जो स्कूटी है वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसमें 3G, 4G, 5G नए नए मॉडल अपग्रेड करके कंपनी निकालती रहती है। तो इस तरह से और भी दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, उनको कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, उनकी ज़्यादा मार्केटिंग करती है। जो कम खरीदे जाते हैं उनको वो प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। माइनिंग ऑफ कोरिलेशंस, इसमें क्या होता है कि इसमें आपस में कोरिलेशन, आपस में जो संबंध होता है उनकी स्टडी की जाती है। तो इसमें जो स्टेटिस्टिकल जो सह संबंध है, स्टेटिस्टिक्स को हम देखते हैं और फिर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी एक उत्पाद है वो किसी दूसरे उत्पाद को कैसे प्रभावित करता है। माइनिंग ऑफ क्लस्टर्स,
क्लस्टर समान प्रकार की वस्तुओं के समूह को संदर्भित करता है। तो क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप का मतलब एक जैसी चीज़ें एक जगह। जैसे कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एक जगह बैठेंगे, सेकेंड ईयर के एक जगह, सिविल के बच्चे एक जगह बैठेंगे, तो क्लस्टर बना दिया। वैसे ही शॉप में जाते तो हम देखते हैं बिस्किट्स, तो बिस्किट जो है किसी भी कंपनी का हो तो वो एक ग्रुप एक जगह रखे रहेंगे। आपको जहाँ बिस्किट दिखेगा वहीं पास में ब्रेड भी दिखेगी, तो जो खाने की चीज़ें हैं वो एक साथ रखती हैं। फिर जैसे मान लीजिए ऑयल हो गया, आप जैसे सुपर मार्केट में जाते हो खरीदने के लिए, तो खाना पकाने का जो तेल है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वो तेल एक जगह रहेगा सारी कंपनीज का। फिर दूसरी जगह देखोगे दालें हैं, तो वहाँ पर दालें अलग अलग दालें एक साथ रहेगी। तो वो क्या होता है, क्लस्टर बना के रखते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं, ऐसे नहीं अलग अलग कोने में रख दिया उन चीज़ों को, सेम टाइप की चीज़ें उनको एक जगह रखते हैं। क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, वर्गीकरण एक मॉडल खोजने की प्रक्रिया है जो डेटा कक्षाओं या अवधारणाओं का वर्णन करती है। इसका उद्देश्य उन मॉडलों के वर्ग की भविष्यवाणी करने के लिए उस मॉडल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जिनके वर्ग लेबल अज्ञात हैं, या प्राप्त मॉडल प्रशिक्षण डेटा के विश्लेषण पर आधारित। ठीक है, तो हम ये डिटेल में जब पढ़ेंगे डेटा माइनिंग, तो धीरे धीरे आपको ये जो टर्म्स है वो समझ में आएंगे। अब इसमें क्लासिफिकेशन इफ देन रूल, जो क्लासिफिकेशन तरीका है वो इफ देन से भी हम कर सकते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं, इफ कोई कंडीशन होगी उसके बाद में देन ये हो जाएगा, एल्स, ठीक है, तो इफ एल्स, इस तरह से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। डिसीजन ट्री हम काम में लेते हैं, डिसीजन ट्री को भी हम क्लासिफिकेशन के काम में लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क काम में ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या करता है, यह उन वस्तुओं की कक्षा की भविष्यवाणी करता है जिनके वर्ग लेबल अज्ञात हैं। ऐसी जो वस्तु जो कौन सी क्लास में आएगी उसके ऊपर लेबल नहीं है, ठीक है, उसकी वो भविष्यवाणी करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, एक मॉडल को ढूंढना, जो क्या करेगा, मॉडल डेटा की जो कक्षा है कि वो डेटा कौन सी क्लास का है या अवधारणा है उसका वर्णन करेगा और अंतर करेगा उनमें। भविष्यवाणी प्रिडिक्शन, ठीक है, इसमें क्या करेगा, इसमें जो वर्ग है, जो हमारा क्लास है, उसका लेबल है, उसके बजाय उसकी अनुपलब्ध या अनुपलब्ध संख्यात्मक डेटा है मानव की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्रिडिक्शन में क्या, हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्य का, और वो कैसे करते हैं, हमारा जो हिस्ट्रिकल डेटा है उसके आधार पर हम करते हैं। ठीक है, जैसे आप पॉलिटिक्स में देखते हो, तो पॉलिटिक्स में देखते हैं कि ये वाला जो विशेषकर ये एरिया है, तो उसके अंदर हिस्ट्री देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी हर बार चुनाव जीत रही है, तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक अनुमान लगाते हैं कि आगे यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत सकती है या किस तरह का कैंडिडेट यहाँ पर जीत सकता है। बाहरी विश्लेषण, आउटलायर एनालिसिस, इसमें क्या करते हैं, जो गैर डेटा है उसको डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। इवोल्यूशन एनालिसिस, ठीक है, इतना डीप में आपके सिलेबस में नहीं है जितना मैं जा रहा हूँ, फिर भी एक बार आप ओवरव्यू उसमें देख सकते हैं समझने के लिए। तो इवोल्यूशन एनालिसिस में क्या करता है, ये उन वस्तुओं के बारे में बताता है जिनका व्यवहार है वो समय के साथ में बदलता रहता है, जो डेटा समय के साथ में बदलता रहता है। तो ये हमारा इतना ही था इस लेक्चर में कि डेटा माइनिंग कैसे काम करता है, हाउ डेटा माइनिंग वर्क्स। तो हमारा मोटा मोटा ऐसे ही है कि डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस में से डेटा को निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका पैटर्न बनाते हैं, और उसके बाद में वो जो डेटा होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, फिर हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका जो यूज है डेटा माइनिंग का, वो आजकल हर फील्ड में है। आप आजकल बिना डेटा के कुछ भी बहुत ही अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आपके पास डेटा है तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसको एनालाइज करके, चाहे
वो आप पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, सरकारी योजनाएं हो या प्राइवेट जो कंपनीज है वो हो, कहीं भी आप देखेंगे एजुकेशन हो, तो डेटा है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा माइनिंग या डेटा वेयरहाउसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस लेक्चर में हमने बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना होगा। थैंक यू वेरी मच।